मुझे लगता है कि अभी बहुत बाकी है आशुतोष राणा के अंदर। अच्छा, अभी आशुतोष राणा का जो अभिनेता है उसने सिर्फ ये कहें कि जैसे कोई बच्चा शुरुआत में चलना सीखता है। अच्छा, और बेबी स्टेप्स लिए हैं, तो मैं उसको यही मान के चलता हूँ कि अभी तक जो कुछ है वो बेबी स्टेप्स हैं। अच्छा, तो अभी बहुत आना बाकी है और समय से चीज़ें आएंगी, आती रहेंगी। और क्यों, इसलिए इस बात पे विश्वास है कि जो फिल्में, जिस फिल्मों से हमने शुरुआत की वो पहले ऑफ बीट सिनेमा माना जाता था, आजकल वही चीज़ें मेन स्ट्रीम सिनेमा हो गई है जहाँ से हम शुरुआत करते थे। तो मुझे लगता है कि अब तो हम जैसे एक्टर्स के लिए ये स्वर्णिम काल है और डेफिनेटली बहुत मिलेगा, बहुत करेंगे, बहुत सारे कैरेक्टर्स अभी करने हैं हमें। जैसे कि मतलब कुछ ऐसे, जैसे चाणक्य करना चाहता हूँ मैं, जैसे पर्दे के ऊपर रावण करना चाहता हूँ, जैसे विवेकानंद का कैरेक्टर करना चाहता हूँ, जैसे अगर कभी कृष्ण के ऊपर कुछ बनता है तो कृष्ण करना चाहता हूँ। तो ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो अपने आप में जो जो आज तक हमारे चित्तोचरित्र में बने हुए हैं, तो ऐसे कई अगर कभी बनती है तो गब्बर अगर करने का मन मिल जाए मुझे, तो मैं वैसा कोई एक किरदार करना चाहूँगा। तो ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो मुझे करने हैं। मैं कभी भी अच्छा करने में विश्वास नहीं रखता। अच्छा। मैं सच्चा करने में विश्वास रखता हूँ, और वही कारण रहा है कि आपको हमारे किरदार अच्छे लगे हों या ना लगे हों, लेकिन सच्चे लगे हैं। तो जो प्रशंसा भी मिली है दर्शकों की या पत्रकारों की या समाज की, तो वो सच्चे के लिए मिली है। तो अच्छा लगना नहीं लगना, अब दुश्मन का गोकुल पंडित आपको अच्छा कैसे लगेगा, या लज्जा शंकर पांडे संघर्ष का वो अच्छा कैसे लगेगा, वो सच्चा लगा इसलिए वो आपको अच्छा लगा। तो हमारी पूरी की पूरी कोशिश यही रहती है कि, और कोशिश ये रहती है कि किरदार जो कर दिए हैं वो रिपीट ना हो। अच्छा। और विविधता उसके अंदर रहे। तो इसी कारण बस वही एक चीज़ रही है जो हमारा सेविंग ग्रेस भी है, या ये कहें कि वही चीज़ है जो हमें लगातार प्रशंसा दिलाती है। और मैं दर्शकों का अभिनेता हूँ, दर्शकों ने मुझे बनाया है अगर देखा जाए तो। मुझे कभी भी कोई ऐसी जिसको कहें कि एक पैडिंग मिल जाती है अगर आपको, कि नहीं आपको प्रमोट किया जा रहा है, तो हम तो देखने के बाद लोग प्रमोट करते हैं आशुतोष को। तो देखने के पहले प्रमोशन बहुत कम हमने अपने जीवन में किए। मेरे लिए ये सारी चीजें प्रेशर का नहीं, प्लेजर का विषय है। ओके। और मैं उन लोगों में से हूँ जो प्रेशर को प्लेजर नहीं बनाता। मतलब प्रेशर, मैं प्लेजर को प्रेशर नहीं बनाता। तो इस वजह से ये प्लेजर का विषय है, और पूरा विश्वास है हमें कि जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जिम्मेदारी के साथ हमने अभिनय किया है मर्डर इन माइम में, तो लोगों को आनंद भी मिलेगा और मर्डर मिस्ट्री है अपने आप में, लोग देखेंगे निश्चित रूप से। मेरा अपना ये मानना रहता है कि जब भी किसी किताब के ऊपर कभी कोई फिल्म या टेलीविजन सीरीज बने, तो अभिनेता को, उसमें काम करने वाले अभिनेताओं को खास करके उसे नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा। कारण यह है कि वो आपके इमेजिनेशन को एक किस्म से वो रोक देती है, और जब कभी आप मुक्त, आपको कुछ नहीं पता, क्लीन स्लेट होती है, तो फिर आप उसमें कुछ ना कुछ शामिल करने का काम करते हैं, फिर आप उससे बंधे नहीं होते हैं, आपका इमेजिनेशन रुकता नहीं है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर कोई अंग्रेजी फिल्म का रीमेक करे तो उसे मत देखिए, मतलब मैं नहीं देखता, लेकिन लोग देख के करते हैं, लोग पढ़ के करते हैं।